दोस्तों, अगर आपको भी बैंगलोर और मुंबई के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आज रोहित की मुंबई और कोहली की बैंगलोर के बीच भयंकर भिड़ंत देखने को मिली, जहां अपनी टीम के लिए कोहली ने ताबड़तोड़ पारी खेली तो रोहित भी अपनी टीम के लिए धमाकेदार पारी खेलकर मैच को रोमांचक बना दिया। दोस्तों, आपको बताएंगे इस मैच की पूरी हाइलाइट्स वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और कोहली में से कौन T20 का बेहतर कप्तान है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज IPL का 29वां मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के दो सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने सामने थे, तो मुकाबला अपने आप में ही रोमांचक हो गया। दोस्तों, इस रोमांचक मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और कोहली को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का था, तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए बेंगलोर के दोनों ओपनर बल्लेबाज कोहली और पैडिकल इस करो या मरो के मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक नजर आए। खासकर विराट कोहली तो बल्लेबाजी करते हुए काफी गुस्से में नजर आए और पहले ही गेंद से मुंबई के गेंदबाजों पर टूट पड़े। हालांकि अगले ही ओवर में इनफॉर्म बल्लेबाज देवदत्त पैडिकल को बुमराह ने खाता भी नहीं खोलने दिया और उन्हें डिकॉक के हाथों कैच आउट करवा कर RCB को बड़ा झटका दिया। तेजी से रन बनाने के इरादे से उतरे बेंगलोर की उम्मीदों को पैडिकल के जल्दी आउट होने से बड़ा झटका लगा। हालांकि इसका असर कप्तान कोहली पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, बल्कि कोहली और भी खतरनाक हो गए और मुंबई के गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिए, तो वहीं उनका साथ दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले का जमकर फायदा उठाया और 6 ओवर में ही 58 रन जोड़ लिए। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक छोर से कोहली अटैक कर रहे थे तो दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल भी अपने आड़े तिरछे शॉट खेलकर मुंबई के खेमे में तहलका मचा दिया था। दोनों की धमाकेदार बल्लेबाजी से RCB की रन गति सुपर फास्ट की तरह भाग रही थी और देखते ही देखते कोहली ने 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिए। कोहली आज अपनी टीम को तेज शुरुआत देना चाह रहे थे और इसमें वे कामयाब भी हो गए। हालांकि कोहली अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए और 51 रन बनाकर कैच आउट हो गए। मुंबई को इस विकेट की सख्त जरूरत थी, ये साझेदारी उनके लिए घातक साबित होते जा रही थी। हालांकि दोस्तों, मुंबई की परेशानी कोहली के आउट होने से और भी बढ़ गई, क्योंकि अब मैदान पर कोहली से भी खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स आ गए थे और इसके साथ ही अब तो दोनों तरफ से हिटिंग बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छोर पर ग्लेन मैक्सवेल तो दूसरी छोर पर डिविलियर्स। ऐसे में अब मुंबई के गेंदबाज बचे तो कैसे बचे। दोनों बल्लेबाज रोहित के हर गेंदबाज की पिटाई कर रहे थे। इसी बीच मैक्सवेल ने मात्र 34 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और RCB का स्कोर 17 ओवर में 156 रनों तक पहुंच गया अब यहां से RCB 200 रनों तक बड़े आसानी से पहुंचती दिखाई दे रही थी और मुंबई इस मैच से बाहर होते जा रही थी। रोहित का टॉस जीतकर बेंगलुरु को बल्लेबाजी देने का फैसला पूरी तरह से गलत साबित होता दिख रहा था, तभी अचानक मैच पलटा। भारत के नंबर एक T20 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में पूरा मैच पलट के रख दिया, जब बुमराह ने पहले एबी डिविलियर्स को स्लो गेंद पर फंसाया और डिकॉक के हाथों कैच आउट करवाया। फिर अगले ही गेंद पर शेड बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल भी बुमराह की चक्रव्यूह में फंस गए और बोल्ड को कैच दे बैठे। डिविलियर्स 6 गेंदों में 11 रन बनाए तो वहीं मैक्सवेल ने 37 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इनके आउट होते ही मुंबई इस मैच में वापसी करने में कामयाब हो गई और बेंगलोर को अंत के ओवरों में जिस फिनिशर की जरूरत थी वो बाकी बल्लेबाज नहीं कर पाए और एक समय 200 रनों तक पहुंचती दिख रही RCB की गाड़ी 165 रनों पर आकर रुक गई। मुंबई के लिए बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट लिए। अब दोस्तों, मुंबई को इस मैच को जीतने के लिए 166 रनों की जरूरत थी और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई के दो धाकड़ ओपनर क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा, जो अपने आप में ही गेंदबाजों की दहशत का दूसरा नाम है और अपने नाम के अनुरूप ही दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत भी की। पहले दो ओवर धीमा खेलने के बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा काइल जेमिसन के ओवर में टूट पड़े और 3 लगातार चौके लगाते हुए 16 रन बटोर लिए और फिर यहां से पांचवे गियर में अपने पैर रख दिए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले को पूरी तरह अपने नाम करते हुए 56 रन बटोर लिए। हालांकि जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो कप्तान कोहली ने चतुर चालाक चहल को गेंद थमा दी और फिर चहल ने अपने फिरकी में डिकॉक को फंसा लिया। डिकॉक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद सीधे मैक्सवेल के हाथों में मार दी और RCB को चहल ने बड़ी सफलता दिलाई। RCB के लिए ये साझेदारी खतरनाक होते जा रही थी।
ऐसे में सही समय पर चहल ने इस जोड़ी को तोड़ा। डिकॉक ने 23 रन बनाए और 57 रनों पर मुंबई को पहला झटका लगा। डिकॉक के जाने के बाद तीसरे नंबर पर ईशान किशन को सूर्यकुमार यादव से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन दोस्तों डिकॉक के जाने के बाद रोहित शर्मा भी क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। मैक्सवेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए। वे 28 गेंदों में 43 रन बनाए। दोस्तों इस बड़े झटके से मुंबई उभरती कि अगले ही ओवर में चतुर चहल ने ईशान किशन को भी अपने गुगली में फंसाकर मुंबई को लगातार तीसरा झटका दिया। वहीं आरसीबी 2 विकेट लेकर इस मैच में वापसी कर ली। ईशान किशन 9 रन ही बना पाए। दोस्तों जब तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तो मुंबई के बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जीत भी आसान लग रही थी। लेकिन जैसे ही कप्तान कोहली ने अपने स्पिनर को अटैक पर लगाया, मुंबई की पारी बिखर गई। चहल ने जहां बड़े झटके मुंबई को दिया, वहीं स्पिन को मदद मिलता देख कोहली ने मैक्सवेल को भी गेंदबाजी अटैक पर लगा दिया और उन्होंने भी 2 विकेट झटक कर मुंबई की कमर तोड़ दी। मुंबई के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहे, जिसकी वजह से मुंबई की गाड़ी इस मैच से बाहर हो गई। मुंबई को जीत के लिए अंतिम 24 गेंदों में 61 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर मुंबई के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या मौजूद थे, जिनके रहते ये लक्ष्य मुंबई पा सकती थी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आउट हुआ तो फिर आरसीबी इस मैच को बड़े आसानी से जीत जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। हार्दिक पांड्या आज नहीं चले, महज 3 रन बनाकर हर्षल पटेल का शिकार बन गए। अब मुंबई की जीत यहां से मुश्किल थी। हालांकि अभी भी पोलार्ड मौजूद थे जो मैच का रुख बदल सकते थे, लेकिन अगली गेंद पर पोलार्ड भी पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए और मुंबई की उम्मीद खत्म हो गई।